राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तीसरा स्थापना दिवस सीएमएस गोमती नगर में मनाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर हिमा बिंदु नायक बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रही। माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रंगनाथ पांडे विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा समाज के प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष राकेश चौधरी, महासचिव अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चंद पांडे, महासचिव कुलदीप नारायण मिश्र, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील द्विवेदी, महासचिव ब्रिजेश यादव एवं समस्त पदाधिकारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने संपूर्ण भारत से पधारे प्रभु दर्जनों सहित अपार पुलिस आयुक्त सैयद अली अब्बास को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र पहना कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संस्था के संपूर्ण भारत के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मेरा नाम सूबेदार मेजर मधुर कुमार मिश्रा फर्स्ट रैंक, मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 11th बटालियन से रिटायर हुआ हूँ। 28 साल सेना की सेवा करके और मुझे अपने देश से अपने सैनिकों से जो प्यार मिला उसके लिए मैं सेना का और अपने देश का देशवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज समाज सेवा की इच्छा से मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से जुड़ा हूँ और इसके जो नियम हैं, जो उद्देश्य हैं, जो संदेश हैं, मेरा प्रयास है मैं उनको जन जन तक पहुँचाऊँ और किसी माध्यम से किसी प्रकार से मैं अपने साथियों को देश की और अपने नागरिकों की सेवा कर सकूँ, यही मेरा उद्देश्य है। वर्तमान में मैं LLB कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। इसका मेरा यही उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं जो कोर्ट की या वकील की फीस नहीं दे सकते हैं उनका काम या उनका कार्य मैं निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से करूँ। मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तीसरा स्थापना दिवस है, सबसे पर क्या कहना है? क्योंकि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्था का जो उद्देश्य रखा गया वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने और संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य था। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद है कब से इसको शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया इसको। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मूल उद्देश्य था, दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। देखिए, जब तक आम आदमी की सहभागिता नहीं बढ़ेगी तब तक इस भारतवर्ष में या संसार में कहीं पर भी अपराध या भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। जिन भी देशों में अपराध या भ्रष्टाचार कम है वहाँ की जनता जागरूक है, हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम अज्ञान हैं। हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, हमको अपने देश के संविधान के बारे में नहीं पता है, हमको कानून के बारे में नहीं पता होता है। हमारी अज्ञानता हमारे शोषण का कारण बनती है और शोषण अपराध की जननी है। जब तक शोषण होता रहेगा तब तक अपराध बनता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग आपको बेसिक तौर पर मूल तरीके से आपको मजबूत बना रहे हैं और हम लोग इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, आम आदमियों की आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक वीरता पुरस्कार होता है। वीरता पुरस्कार में क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाली है देश की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्ति की जान की रक्षा करने के लिए, अपराधी को पकड़वाने के लिए या किसी अपराध को रुकवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम लोग गीता पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। गीता पुरस्कार में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार देते हैं, एक प्रशस्ति पत्र देते हैं और एक अंगवस्त्र देते हैं। और ये जो हमारा पुरस्कार है वो स्थानीय थानेदार के हाथ से हम दिलवाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे पीड़ित जिनको आप लोगों ने सुरक्षा परिषद के माध्यम से न्याय दिला पाएंगे या एक तरफ से लोग आपके संपर्क में आते होंगे, क्योंकि आप हमेशा आपका ये जगह जगह पे लिखा हुआ है, तो क्या कुछ लोग आपके संपर्क में आएंगे इसका आपके माध्यम से न्याय? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 2-3 लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, और आपको मैं बताऊँ कि हम लोग किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास अपनी समस्या लेकर के आता है, पहली बात तो समस्या आपकी संवैधानिक होनी चाहिए, ठीक है? आप कोई अपराध करके आएंगे हमारे पास मदद मांगने आएंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे।
ठीक है, अगर हम लोग आपका प्रार्थना पत्र आपकी समस्या देख के जान लेते हैं कि आप दोषी हैं कि नहीं, अगर हमें जरा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपराध कर लिप्त हैं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम गैर कानूनी कोई काम नहीं करते, गैर संवैधानिक कोई काम नहीं करते। हाँ, यदि आप पीड़ित हैं, आपका शोषण कहीं पर हुआ है, आपकी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, आपका कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, तो हम उसके लिए पूरी आवाज़ उठाते हैं और उसके लिए संविधान से पूरी शिद्दत के साथ में बात करते हैं। आपके लिए हम FIR दर्ज कराएंगे, हम अधिकारियों से बात करेंगे और ईश्वर की कृपा है अधिकारी हमारी बात सुन भी लेते हैं और मान भी लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को सही तरह से चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।